नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कोरोना फोबिया और समाधान में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नुसरत परवीन सिद्दीकी। कोरोना संकट पूरे देश दुनिया में फैला हुआ है, समाधान उस पर भी कोशिश की जा रही है कि किस तरह इससे बचा जाए, किस तरह इस बीमारी को दूर किया जाए, इस पर कोशिश लगातार जारी है। इस महामारी को लेकर लोगों में डर भी घर कर रहा है, लगातार इससे डर के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो डर किस तरह का है ये आप हम सब सभी जान रहे हैं कि कई तरह के डर हैं जो लोगों के दिलो दिमाग पर बैठ रहे हैं। जो पुरानी बीमारी है उसके भी रोगी हैं, वो भी डरे हुए हैं। आम जन की अगर बात करें वो भी डरे हुए हैं। गर्भवती महिलाओं की अगर हम बात करें तो उनमें भी कोरोना संक्रमण का जो मामला है वो देखने को मिल रहा है, काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं गर्भवती महिलाएँ। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इस बीमारी से अछूती हैं, उन तक ये बीमारी नहीं पहुंच पाई, पर डर इसको लेकर भी लोगों में बना हुआ है कि क्या गर्भधारण करना इस समय पर सही रहेगा, क्या गर्भवती महिलाएं जो हैं वो इस बीमारी से पार पा पाएंगी, क्या वो इस बीमारी से बच सकेंगी। इस तरह के और बहुत सारे ढेरों सवाल हैं जिससे गर्भवती महिलाएँ घिरी हुई हैं, डरी हुई हैं, अपने समस्या का समाधान जानना चाहती। तो इस समस्या का, अगर उनका किसी तरह की कोई समस्या है उसको समाधान के लिए हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारे स्त्री रोग विशेषज्ञ जुड़ी हैं और आपके जो समस्या है, जो सवाल है, उसका समाधान बताने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कविता गुप्ता घड़ाले जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर कविता आपका हमारे खास कार्यक्रम में। डॉक्टर कविता, जिस तरह हम बात कर रहे हैं COVID-19 का जो मामला है, जो आंकड़े हैं, वो हम देख रहे हैं लगातार देश में बढ़ रहा है। देश की अगर हम बात करें, देश के अलावा अगर हम दुनिया की भी बात करें, वहाँ भी बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें हम देख रहे हैं काफ़ी लोगों की मौत भी सामने आई है। बताया ये जाता है, आंकड़े भी ये बताते हैं कि ये जो संक्रमण है वो ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग हैं या जो क्रॉनिक डिजीज़ जिनकी रही है, जो हिस्ट्री रही है, वो प्रभावित हो रहे हैं, उनकी मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। पर कई जगह ये भी मामला आया है कि लेकिन बहुत कम मामला ऐसा है जो गर्भवती महिलाएँ हैं उनमें भी इसके संक्रमण पाए गए हैं और उससे वो काफ़ी प्रभावित भी हुई हैं। कहीं का मामला है जहाँ पर एक मौत का भी मामला सामने आया है। इसको लेकर जो गर्भवती महिलाएं हैं वो आज डरी हुई है। सवाल मेरा यही है कि क्या उनको ऐसे समय पर बहुत ज़्यादा डर के रहना है, क्योंकि उनके पास जो एक जीव है वो भी पल रहा है, उसको भी जीवन देना है और कहीं ना कहीं उस डर से उन्हें उभर कर अपने उस नए जीव को भी उभारना है। धन्यवाद मुझे इस चर्चा में बुलाने के लिए। मैं डॉक्टर कविता गुप्ता कढ़ाली, प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ। जैसे आपने कहा कि ये जो COVID-19, ये जो बीमारी महामारी इस बार, इस साल हमारे सामने आई है, पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में फैल चुकी है। सारी हमारा देश हो, चाहे दूसरे देश हो, चाहे बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज हो, सभी जगह इसने अपना प्रकोप जारी रखा हुआ है। और जहाँ तक गर्भवती महिलाओं की बात कर रही हैं, तो सारी गर्भवती महिलाएं जो हमारे पास आ रही हैं, उनके परिवार वाले इसको लेके बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। और सब लोग हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टेली वो भी हो रहा है, आजकल कॉन्फ्रेंसिंग भी हो रही है, पेशेंट आ भी रहे हैं, और सबकी यही जानना है कि गर्भवती महिलाओं को क्या खतरा हो सकता है, उनके अंदर जो गर्भस्थ शिशु है उसको क्या खतरा हो सकता है, डिलीवरी कैसे होगी, कहाँ होगी, कौन से हॉस्पिटल में होगी। तो ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसा आपने कहा कि ये बीमारी बुजुर्गों और बच्चों में ज्यादा देखने में पाई गई है, जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उन लोगों को ज्यादा हो रही है। और क्योंकि गर्भवती महिलाओं की इम्यूनिटी कम हो जाती है प्रेगनेंसी में, तो उन लोगों को भी इस बीमारी का होने का खतरा हो सकता है। बट हम आपको इस चर्चा में यही बताना चाहेंगे कि बहुत ज्यादा डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको सारे वो सावधानियां बरतने को बताएंगे जो जो आप कर सकते हैं, और इस बीमारी से हम किसी भी तरीके से लड़के बाहर आ सकते हैं। जी डॉक्टर कविता, जैसा कि आपने कहा कि हम सावधानियां बताएंगे, जाहिर है जो पेशेंट आपके पास आ रहे हैं उनको तो आप बता रही होंगी कि किस तरीके से अपने ध्यान रखना है, अपने जो गर्भस्थ शिशु है उसका ध्यान रखना है, क्या सावधानी बरतनी है। हम समझना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ऐसे समय पर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं, खान पान में क्या कुछ चीज़ें शामिल करनी है, क्योंकि आपने जैसा बताया कि इम्यूनिटी उनकी वीक हो जाती है ऐसे समय पर, तो उनको अपने इस को बूस्ट करने के लिए क्या कुछ खाना चाहिए। जी नजर जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जैसे हम सभी को बताया जा रहा है, मीडिया पे बताया जा रहा है, बार बार हमारे फोन पे मैसेजेस आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में,
सब जगह हम देख रहे हैं कि सबको सावधानियां जो सबको आम जनता को बरतनी है, वही हमें हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी वही सावधानियां बरतनी है, लेकिन हमको बहुत डिसिप्लिन वे में, हमको बहुत ईमानदारी से ये सावधानियां बरतनी होंगी। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, सबसे पहली बात सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। हम सब महिलाओं कह रहे हैं अगर आपको सिर्फ बहुत जरूरी हो तो ही दिखाने अस्पताल में आए, जनरल विजिट के लिए, रूटीन विजिट के लिए ना आए। अगर बहुत जरूरी सोनोग्राफी है या आपको कोई तकलीफ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है या ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, ज्यादा बुखार या खांसी की कोई लक्षण आपको मिलते हैं तो ही आप घर से बाहर निकले, नहीं तो आप अस्पताल ना आए। दूसरा जो हमें सावधानी बरतनी है वो हमें मास्क लगाना है। हर मरीज को हम कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम N95 मास्क लगाएं, आप एक कपड़े का मास्क भी लगा सकते हैं, नॉर्मल मास्क भी यूज कर सकते हैं, दुपट्टे से भी अपना चेहरा ढक सकते हैं, लेकिन हमें इस वायरस को सांस के अपने सिस्टम में जाने से रोकना होगा। अगर हम अस्पताल जाते हैं या हम घर में भी अगर लोगों से बात करते हैं या हमारे फैमिली मेंबर्स से हैं तो हम कोशिश करें मास्क लगा के रहें। और दूसरा है फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, हमेशा अपने हर दो घंटे में हाथ धोना है साबुन से, 20 से 30 सेकंड तक हाथ धोना है, चाहे आप काम करें चाहे ना करें, किसी से हाथ मिलाएं या ना मिलाएं, बट आपको फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करना है, सैनिटाइजर का सामान यूज करना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो महिलाओं को ध्यान रखना है, गर्भवती स्त्रियों को स्पेशली ध्यान रखना है, वो है उनको अपना पोषण का बहुत ध्यान रखना है। जो भी हमारी महिलाओं की माताएं हैं, उनकी मदर इन लॉज हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनको ध्यान रखना है कि उनको बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दे घर के अंदर, क्योंकि माँ इस समय बहुत चिंतित है। वो बहुत जैसे सब लोग आम लोग इतना ज्यादा अगर हम लोग एंग्जाइटी में है तो बेचारी जो गर्भवती महिला है जिसके अंदर एक शिशु पल रहा है वो तो बहुत ज्यादा चिंता में है कि मेरे बच्चे को क्या होगा, मुझे अगर कोविड हो गया तो क्या होगा, मैं स्तनपान करा पाऊंगी कि नहीं करा पाऊंगी। तो ये सारी जो प्रश्न है उसके दिमाग में, उसी को हमें हल करना है, उनको बताना है कि जैसे आम जनता को जो रिस्क है गर्भवती महिलाओं को भी उतना ही रिस्क है। ऐसा देखा नहीं गया है कि फर्स्ट से गर्भवती महिलाओं को ज्यादा चांसेस हो रहे हैं कोरोना वायरस के। और जो हमारी स्टडीज, क्योंकि बहुत नया वायरस है, बहुत ज्यादा स्टडीज तो अभी नहीं हुई है, पर जो हो रहा है उसमें देखा जा रहा है कि पुरुषों को महिलाओं के कंपैरेटिवली ज्यादा ये इन्फेक्शन हो रहा है। तो हमारी गर्भवती महिलाएं थोड़ी सी सेफ है, लेकिन क्योंकि और यंग है, सब फीमेल्स 20 से लेकर 45 ईयर्स तक है, यंग फीमेल्स हैं तो भी उनको इन्फेक्शन का खतरा कम है। लेकिन अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, अस्पताल जाएंगे तो आपको इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है व्यायाम करें, व्यायाम ना रोकें, अपना चलना फिरना घूमना। घर में प्रेगनेंसी तो कोई बीमारी नहीं होती, ये तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो आप अपने घर में जहाँ पे भी आप छत पे बालकनी में वहाँ टहलें, खाना खाने के बाद टहलें, अपना पौष्टिक आहार लें, खाने में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होना चाहिए, विटामिन सी होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, जो बातें हम बताते हैं गर्भवती महिलाओं को डाइट में, उन सबका बहुत ज्यादा अनुशासन से पालन करें। ये नहीं करना चाहिए, नहीं बाहर का तो खाना सब खा ही नहीं रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात हो गई कि सब लोग घर में ही बना रहे हैं, घर का ही पौष्टिक और एकदम अच्छा खाना खा रहे हैं। तो सारी महिलाओं को ये मेरी एक आपकी तरफ से रिक्वेस्ट होगी, मेरी तरफ से और हमारे DNN न्यूज की तरफ से, कि आप लोग अपने स्पेशली अपने खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। जी डॉक्टर कविता, जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जो लेबर पेंस हैं, वो रुक नहीं सकते, उन्हें नहीं पता कि आप कोरोना का संक्रमण देश में फैला है और उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना है, ऐसे समय पर लेबर पेन जब होता है, पेशेंट जाना चाहता है, उसको समझ में नहीं आता, जो उसके पुराने डॉक्टर्स हैं बहुत सारे जिनके अंडर ऑब्जर्वेशन उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, वो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स भी हैं जो अब ऐसे समय पर पेशेंट को अवॉइड कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। या अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो प्रॉपरली ऐसे पेशेंट्स के लिए जो प्रेग्नेंट है उनके लिए प्रॉपरली इंतजाम, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर नहीं, अगर गाँव की बात करूँ, ग्रामीण क्षेत्र की बात करूँ, तो वहाँ पर बहुत अच्छे इंतजाम नहीं है। तो ऐसे समय पर उनको किस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि लेबर पेन है, ऐसे में वो अपना अगर चाहे तो बहुत बड़े अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते, तो ऐसे समय पर उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना है, या कोई ऐसा सुविधाएं हैं जिसके जरिए वो अपने आप को सुरक्षित रख सकती हूँ और अस्पताल तक पहुंच सकती हूँ, या अस्पताल में कोई उनके लिए खास इंतजाम हो, ऐसा कुछ आप सलाह देंगी कि सरकार तक ये बात पहुंचे, अगर ऐसा नहीं है तो उस पर ध्यान दिया जाए। जी नजर जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि लेबर पेंस तो रुकेंगे नहीं, डिलीवरी भी नहीं रुक रही है, हम पिछले 5 महीने से डिलीवरी भी करा रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, जब से कोरोना दिसंबर से आया है पूरा 5 महीने निकल चुके हैं, हम सब डिलीवरी भी करा रहे हैं, पेशेंट्स भी देख रहे हैं। बट सरकार ने क्या किया है, हर शहर में ग्रामीण क्षेत्र में हॉस्पिटल्स को डिवाइड कर दिया है, उसमें आपका ग्रीन रेड और ऑरेंज जोन के हॉस्पिटल्स हो गए हैं। अगर आपका कोई भी आप कहीं दिखा रहे हैं लेकिन जहाँ पे कोविड के पेशेंट्स एडमिट है वहां तो आपको जाना ही नहीं है, जहाँ पे उनको थोड़ा सा सिम्टम्स वाले पेशेंट है वहां भी नहीं जाना है, लेकिन कुछ और अस्पताल ऐसे
चिन्हित अस्पताल हैं जहाँ पे ये मरीज जा सकते हैं और अपनी डिलीवरी करा सकते हैं। जैसे सरकारी अस्पताल आपने बताया, गाँव के अस्पताल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी डिलीवरीज हो रही हैं। एम्बुलेंस घर भेजी जाती है, आपको अस्पताल नहीं जाना है, आपको जो हेल्पलाइन नंबर है इसमें बताना है, वो आके जाके आपको लेके जाएंगे। हॉस्पिटल की एम्बुलेंस में सारी सुविधाएं होती हैं, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर और कुछ डॉक्टर भी साथ में आते हैं। अगर बाई चांस प्रसव गाड़ी में ही हो गया तो कैसे उसको मैनेज करेंगे। और हॉस्पिटल जाने के बाद भी डॉक्टर्स तो हैं ही, दिन रात सेवा कर रहे हैं, स्टाफ भी है, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, डिलीवरीज भी करा रहे हैं, ऑपरेशन भी हो रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि ये तो काम रुक ही नहीं रहा है। लेकिन जो गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना है कि एक तो अस्पताल कम से कम लोग जाएं, सिर्फ एक मरीज और उसके साथ उसकी माँ, पिताजी या हस्बैंड ही जाएं, एक या दो लोग ही जाएं, सब लोग मास्क लगा के ही रखें, मास्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने हाथों में ग्लव्स पहने। और डिलीवरी का जब टाइम आएगा, जब वहां पे डिलीवरी हो रही होगी, तो महिला को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रह के जैसा जैसा डॉक्टर निर्देश दें वैसा वैसा काम करना है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो डिलीवरी तो हो जाएगी सब, लेकिन जब बच्चा माँ के पास आएगा तो बच्चे को स्तनपान कराना है कि नहीं, वो भी मैं बताना चाहूंगी कि स्तनपान ब्रेस्ट मिल्क में कोरोना वायरस नहीं पाया गया है, तो माँ बहुत ही अपने आराम से अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है, लेकिन मास्क पहन के जरूर रखें और अपने हाथों को स्वच्छता का ध्यान रखें। जी, इसके अलावा खान पान की जो हमने बात की थी कि विशेष ध्यान रखना है, इम्यूनिटी जो होती है वीक हो जाती है ऐसे समय पर, तो खान पान में जैसा कि हम आयरन सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट की बात करते हैं कि जो रूटीन चेकअप है उसकी बात करते हैं, ऐसे में डॉक्टर एडवाइस करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको इतना आयरन, इतना कैल्शियम या इतना प्रोटीन लेना है, तो क्या इसके अलावा एक्स्ट्रा भी कुछ लेना चाहिए या सफिशियंट है इतना? आपने जैसा कहा कि आयरन कैल्शियम की गोलियां तो मिलती ही हैं, लाल गोली सरकारी, फॉलिक एसिड भी ले रहे हैं सारे मरीज। प्रोटीन की मात्रा हमें बढ़ानी होगी, जैसे दालें, हरी सब्जियां, अगर आप एग खाते हैं तो अंडा भी खा सकते हैं। ऐसी भ्रांति है कि अंडा में भी वायरस, कोरोना वायरस है, तो वो बिल्कुल गलत है। आप अंडे को बॉइल करके वो खा सकते हैं। दूध बहुत मात्रा में लेना है, दूध, दही, पनीर प्रचुर मात्रा में लेना है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। प्लस हमें विटामिन सी लेना है। विटामिन सी किस किस चीज़ में होता है? नींबू में, आंवला में, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं, जैसे आप जो भी मौसमी फल हैं वो भी ले सकते हैं, तो उससे भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आंवले का अचार ले सकते हैं, मुरब्बा ले सकते हैं। नींबू पानी बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि नींबू पानी अगर आप थोड़ा सा लेते हैं तो इससे आपको विटामिन सी भी मिलता है और हाइड्रेशन भी होता है। जैसे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, 40-42 टेम्परेचर चल रहा है, सब मरीज़ डिहाइड्रेट हो जाती हैं महिलाएं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, ड्यूरिंग डिलीवरी भी, ड्यूरिंग लैक्टेशन भी, तो उनको हमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा में कमी नहीं होना चाहिए। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि पानी थोड़ा सा गर्म लें, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एकदम गर्म पानी तो आप नहीं ले पाएंगे, तो थुनथुना पानी लेते रहें। हर 2 घंटे में अपने गले में आपको तरावट रहना चाहिए, गला सूखना नहीं चाहिए। और अगर आपको ज़रा सा भी खांसी या चेस्ट पेन या घबराहट या बुखार के सिम्टम हो रहे हैं, या तो प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के टाइम, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना है और छुपाना नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि इतना स्टिग्मा बन गया है कोरोना वायरस का कि लोग घरों में रह रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि अगर हम जाएंगे तो हमें क्वारंटीन कर देंगे, हमें कोरोना का वो लग जाएगा, लेबल लग जाएगा। पर मैं ये बताना चाहूंगी, जैसा आपने बताया कि महिला की मौत भी हुई है, वो इसीलिए हुई है कि अगर हम लेट अस्पताल पहुंचेंगे, अगर प्रेगनेंसी है और हमें बाहर नहीं जाना है, सब डॉक्टर्स मना कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी आपको समस्या है, कोई भी सिम्टम है, तो आपको अस्पताल जाना ही है। अपने जो भी डॉक्टर है हमको बताना ही है कि हमें तकलीफ हो रही है, या उनके घर में भी अगर किसी को हो रही है तो भी बताना है, घर में से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, अगर आपके किसी रिश्तेदार को, तो भी आपको हेल्थ केयर वर्कर्स को, डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करना है। ऐसा कि पेन हुआ तो ऐसे समय पर कैसे पहचाने कि ये फॉल्स पेन है या लेबर पेन एक्चुअल में है, हमें हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए या घर में कुछ ऐसा तरीका कि जांच हो पाए कि अभी नहीं जाना है, ऐसा समय थोड़ा सा परहेज कर ले, घर में ही इत्मीनान से रुक ले, किस तरह? जी नजर जी, आपने तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है जो मैं सभी महिलाओं को बताना चाहूंगी, क्योंकि इतना डर इतना व्याप्त है, इतना सब जगह इतना डर फैला हुआ है कि हॉस्पिटल जाएंगे तो मुश्किल, घर में रहेंगे तो मुश्किल, घर में डिलीवरी होगी तो कैसे होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हम कैसे पहचाने कि ब्लू पेन्स और फॉल पेन्स क्या होते हैं। तो हम सब महिलाओं कहते हैं अगर आपको रुक रुक के हर 10-10 मिनट में दर्द आ रहे हैं, या आपको पानी जाने लगा है, या आपको बच्चे का मूवमेंट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, या नीचे से कुछ चिकना पदार्थ निकल रहा है, तो आपको अस्पताल जाना है। लेकिन फॉल्स पेन्स जो होते हैं वो कई बार गैस की वजह से भी होते हैं,
या गैस्ट्रिक अपसेट की वजह से भी होता है, तो आपको ये पहचानना है कि अगर आपके दर्द हर दो दो मिनट में, हर 10 मिनट में आ रहे हैं, हर दो दो मिनट में रेगुलर इंटरवल पे आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, पहले कम थे फिर आपकी कमर से दर्द आगे की तरफ आ रहा है, पैरों में जा रहा है, तो वो ट्रू पेन्स है। तो आपको अपने डॉक्टर को बताना है कि मेरे को ऐसे ऐसे तकलीफ हो रही है, अब मैं क्या अस्पताल आ सकती हूँ। तो उनको जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं, अगर उनको पानी की थैली टूट गई है, वो बाहर पानी जा रहा है, तो अस्पताल आना ही है। अगर अक्सरा हो रहा है तो भी अस्पताल आना है, अगर बच्चा कम घूम रहा है या उसके बहुत ज्यादा मूवमेंट्स हो रहे हैं तो भी तुरंत अस्पताल पहुंचना है। तो ये सब तो वार्निंग सिम्टम्स होते हैं कि आपको अब आपका डिलीवरी का टाइम आ गया है। और जो फॉल्स पेन्स की बात जो आपने कही, वो तो बहुत ही अच्छी कही कि लोग थोड़ा सा भी दर्द में घबरा जाते हैं कि अरे डिलीवरी के दर्द स्टार्ट हो गए, तो वो आपको लक्षण पहचानना है कि ये हमारे फॉल्स पेन्स हैं, ये ट्रू पेन्स नहीं है। अगर पेन्स आए, आप थोड़ा सा वॉक करिए, लगातार 1-2 घंटे वॉक करिए। अगर पेन्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी महिला पहली बार गर्भवती हुई है तो उसकी डिलीवरी में 12 से 16 घंटे लगते हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप रास्ते में डिलीवरी हो जाएगी या घर में ही हो जाएगी, तो उसे 12 से 14 से 16 घंटे लगते हैं डिलीवरी में। तो धीरे धीरे दर्द बढ़ेंगे, दर्द की इंटेंसिटी बढ़ेगी, ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, तभी आपको अस्पताल जाना है। अगर फॉल्स पेन्स हो रहा है, दर्द आया हल्का फुल्का चला गया, तो आपको अस्पताल नहीं जाना है, आपको सिर्फ डॉक्टर से लेकिन बात जरूर करनी है, जो भी आपको दिखा रहे हैं उससे। जी डॉक्टर कविता, जिस तरह हम मतलब जो मानसिक तनाव है उसकी भी बात कर रहे हैं, किस तरह डर जो बना हुआ है लोगों में इसकी बात कर रहे हैं, तो जो मेंटल स्ट्रेस है वो तो जाहिर है कि लोग ले ही रहे हैं, नॉर्मल हम आम इंसान भी ले रहे हैं, परेशान होते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, या कोई छोटा सा भी लक्षण ऐसा दिखता है तो लगता है कहीं हमें तो संक्रमण नहीं हो गया। तो ऐसे समय पर जो गर्भवती महिलाएं हैं वो जाहिर है डरी हुई, जैसा कि आपने भी कहा, मेरा भी सवाल यही था, डरी हुई हैं। ऐसे समय पर क्या जो फीटस है, जो गर्भस्थ शिशु है, उस पर इसका असर पड़ेगा? क्योंकि जब हम बात करते हैं तो ये इम्यूनिटी है लॉस होती है ऐसे समय पर, जब हम सोचते हैं कि कहीं कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है, उससे कहीं ना कहीं जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती है। तो ऐसे समय पर, जबकि आपने बताया गर्भ के दौरान वो कहीं ना कहीं शरीर में कम होती है, इसके साथ जब हम ये एक तनाव और लेते हैं तो क्या इसका असर हमारे होने वाले बच्चे पर भी पड़ता है? कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर महिला बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं सोचेगी, तनाव में रहेगी, जैसा हम बोल रहे हैं कितना मीडिया में, न्यूज में, हर जगह यही छाया हुआ है, सब जगह कोरोना कोरोना कोरोना, तो जो आम इंसान है वही इतना ज्यादा चिंता, बहुत चिंतित है, पूरा परिवार चिंतित है, क्या होगा हमारे आगे, भविष्य क्या होगा, बिजनेस में क्या होगा, आगे देश में क्या होगा। तो ऐसे में अगर गर्भवती महिला को भी अपनी सुरक्षा डिलीवरी को लेकर चिंता हो रही है तो वो स्वाभाविक है, और उसका छोटा सा बच्चा, उसको लेके भी कि कैसे क्या होगा। इसके लिए हम सबको ये कहना चाहेंगे, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो लोग आते हैं, पहले जो 3 महीने के होते हैं, तभी हम उनको बताना शुरू कर रहे हैं जो हमारे पास नई गर्भवती महिलाएं आ रही हैं, कि आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं, COVID-19 के बारे में घर में डिस्कस नहीं करना है, टीवी नहीं देखना है, न्यूज पेपर नहीं पढ़ना है, आपको जो भी खबरें मिल रही है, जो भी आपको खबरें मिल रही है उनको आपको अपने तक नहीं आने देना है, बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक सोच रखनी है, ये सोचना है कि मुझे और मेरे परिवार को ये बीमारी नहीं होगी, मैं इससे सेफ रहूंगी। लेकिन हमको सावधानी बरतनी है, अगर हम सिर्फ सब गलती भी करेंगे और सावधानी नहीं बरतेंगे और फिर सोचेंगे सब ठीक होगा तो कैसे हो पाएगा। तो परिवार वालों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरे टाइम टीवी चलता रहता है, पूरे टाइम न्यूज आती रहती है, उसको बंद करें। अगर आप गलत गलत न्यूज सुना रहे हैं, नेगेटिव मरीज को पेपर पढ़ पढ़ के तो ना सुनाए। अगर कोई आसपास आपका कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आता है या आपके रिश्तेदार हैं, उनको बोले कि हमारे घर ना आए, तो इस इन चीजों से आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उस महिला को इन सब बातों के अंदर पढ़ने के लिए। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगी कि सभी महिलाओं को अगर उनको कुछ भी जानना है, तो ऐप है आपके पास, नेट पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, तो आप वो पढ़ें। अगर आप सही इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो पढ़ें, लेकिन आप ऐसी गलत गलत अफवाह पे नहीं पढ़ें। और हमेशा एक पॉजिटिव सोच रखें, वो कैसे होगा, मेडिटेशन से होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी, जैसे आपने बोला कि गर्भवती स्त्री के बच्चे को भी ज्यादा फर्क पड़ेगा, अगर वो गलत सोचेगी या नेगेटिव थॉट्स रखेगी तो उसके बच्चे के ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो हमें महिलाओं को ये बताना है, हमारी सारी दर्शकों को और महिलाओं को ये बताना है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिवली सोचना है। आपको सोचना है मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरे डिलीवरी अच्छी होगी, मेरे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ, ये बीमारी बहुत जल्दी इस विश्व से जाने वाली है। ऐसे अगर आप विचार लाएंगे, ऐसा संकल्प करेंगे, संकल्प से ही सृष्टि है, अगर आप ऐसा संकल्प करेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। मैं सभी से कहना चाहूंगी।
डॉक्टर कविता, अगर सामान्य लोगों से इतर अगर बात करूं, जैसा कि हम देख रहे हैं इस महामारी में जो प्रवासी मजदूर हैं उनमें महिलाएं बहुत सारी ऐसी हैं जो गर्भवती हैं और कहीं ना कहीं रास्ते में भी उनकी जो डिलीवरी हो रही है, उसमें हमारा सवाल ये है कि हम चाहेंगे कि हमारे हर दर्शक को ये पता होना चाहिए कि ऐसे समय पर अगर कहीं रास्ते में, बस में या ट्रेन में कहीं डिलीवरी हो रही है तो सेप्सिस के जो मामले हैं मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता होगा, क्योंकि हमारे पास स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते या हमारे पास ग्लव्स नहीं होता या जो भी वहाँ पर आसपास लोग होते हैं वो उनके पास वो सब सुविधाएं नहीं होती जो अस्पताल में या घरों में एक माहौल होता है डिसइंफेक्शन का, वो सब चीज़ें नहीं होती। तो ऐसे समय पर अगर डिलीवरी कराई जा रही है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए कि सामने जो पेशेंट है उसको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो या बच्चा जो आने वाला है उसको किसी तरह का कोई नुकसान। जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि हम देख ही रहे हैं कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं सब जा रहे हैं उससे अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। 35 से 40 डिलीवरीज हुई है जो रास्ते में हुई है, जो बसेस में हुई है, ट्रेन में हुई है, ऐसा आंकड़ा हमारे पास है जो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वो महिलाएं सारी अपने घर की तरफ जा रही है लेकिन प्रसव उनका रास्ते में ही हो रहा है। तो मैं सबको बताना चाहूंगी कि जो भी आप ट्रेन में, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में अगर आप कहीं भी देखें किसी महिला को गर्भवती, हमने ऐसा भी सुना कि पुलिस वाले कोई थे कहीं पे किसी से, उन्होंने महिला को अपनी गाड़ी में बिठा के गर्भवती महिला को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। तो पुलिस सारा प्रशासन बहुत ज्यादा हमारी मदद कर रहा है, लेकिन मैं आम जनता से भी कहना चाहूंगी कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, आप देखते हैं कि कार में या किसी बस में या ट्रेन में या चलता चलते किसी भी गर्भवती महिला को अगर तकलीफ है, तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाएं। सबसे पहली बात, आपको गर्मी बहुत ज्यादा है तो आप पानी का ध्यान रखें, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें, उसको सबसे पहले कवर करें। जैसा आपने इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बताई कि इन्फेक्शन हो सकता है, तो अपने देश में एक सबसे अच्छी गर्म पानी हर जगह मिल जाता है। अगर आपको रास्ते में कहीं भी गाड़ी रोक के तो गर्म पानी की व्यवस्था हो जाए, तो गर्म पानी से अपने हाथ धो के और डिलीवरी कराएं। ग्लव्स तो सब लोग आजकल पहन ही रहे हैं, ग्लव्स पहन के डिलीवरी कराएं। ज्यादा से ढंग में 2-3 महिलाएं, जो भी बुजुर्ग महिलाएं बस में या ट्रेन में हो, वो आके नाल को सावधानी से काटें जैसा बताया जाता है, बच्चे को एक साफ कपड़े में लपेटें और जब तक और उसको तुरंत उस महिला को नियरेस्ट हॉस्पिटल, जो भी आसपास का हॉस्पिटल है वहां पहुंचाएं, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन ऐसे होते हैं जो मैनेज नहीं हो सकते सड़क के, वो आपको महिला को अस्पताल पहुंचाना ही होगा जितना जल्दी हो सके। जी, आखिरी सवाल, जिस तरह हम सुन रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट हैं जो कोरोना से इन्फेक्टेड हैं और हॉस्पिटल पहुंच रही महिलाओं की हम बात करें, गर्भवती महिलाओं की अगर हम बात करें, वो हॉस्पिटल पहुंच रही हैं, कई मामले हमने देखा है कि किसी प्रेग्नेंट वुमेन के जरिए अस्पताल में जो नर्सेज हैं या डॉक्टर्स हैं उनको भी इस तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसे समय पर बहुत सारे लोग हैं जो बचना चाहते हैं, नहीं चाहते कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको हाथ लगाया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, क्योंकि जब वो आती है लेबर पेन में आती है तो थोड़ा रेस्टलेस होती है, तो पता नहीं होता कि उसको क्या तकलीफ है, क्या ऐसे में अवॉइड किया जाता है, तो क्या लगता है ऐसे इस समय ऐसी चीजें होनी चाहिए या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जो सामने वाला है जो डरा हुआ है? नहीं, वो तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, मरीज से हमें इंफेक्शन हो सकता है जी। तो बहुत सारे हॉस्पिटल वहां पे डिलीवरीज हो जाते हैं कि वहां पे 1000 से ज्यादा डिलीवरी हो चुकी है कोरोना वायरस पेशेंट की, तो वो लोग तो काम कर ही रहे हैं, सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। अगर कोई भी डॉक्टर इन्फेक्टेड होता है तो उसको क्वारंटीन किया जा रहा है, पूरी पूरी टीम को क्वारंटीन किया जा रहा है, उसके बाद भी डॉक्टर्स नर्सेस सब जुटे हुए हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए, सब जूझ रहे हैं, लेकिन हम लोग सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, हम लोग डबल ग्लव्स पहनते हैं, पीपीई किट पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, पहन के हम लोग सब डिलीवरी करा ही रहे हैं। फेस शील्ड बहुत जरूरी है उससे, क्योंकि ब्लड आंखों से आता है या जो ब्लड होता है अगर हम सिजेरियन कर रहे हैं तो उससे हमारे हाथ, आंखें, पैर सब इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो सभी डॉक्टर, सारी महिलाएं, सारे सर्जन सभी बहुत प्रिकॉशंस लेके काम कर रहे हैं और इस युद्ध में पूरी तरीके से तैयार हैं सारे। हमारा यही औजार है जो हम आप देख रहे हैं, इन्हीं औजारों के साथ हम इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं। मुझे नहीं लग रहा कोई भी डॉक्टर डर के पेशेंट को हाथ नहीं लगा रहा है या बच रहे हैं, ऐसा भी आपने सुना होगा, लेकिन ये हो सकता है कि सिर्फ अफवाह ही हो। मेरे हिसाब से तो सारे मरीज, सारे डॉक्टर्स इस बीमारी से मरीजों को बचाने के लिए तत्पर हैं। बिल्कुल, चलिए अपनी चर्चा को समाप्त करना चाहूंगी और दो शब्दों में और चाहूंगी कि हमारे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके मानसिक तनाव को कम करने के लिए, उनके डर को कम करने के लिए कुछ अच्छी बातें और बता दें। हाँ जी, नुज़हत जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी
कि सब लोगों को अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए, भीड़ भाड़ी वाली जगहों से जाने से बचिए, अपना आहार का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करते रहिए, हाथ धोते रहिए और मास्क अवश्य लगाए, अपना प्लीज ध्यान रखें जी। नमस्कार। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक अपनी अच्छी बातें, उनकी समस्याओं के समाधान बताने के लिए। तो कोरोना फोबिया तो है, पर इसका समाधान भी है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। जिस तरह हम देख रहे हैं, जो आम जन में जिस तरह के संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, उसी तरह गर्भवती महिलाओं में भी आ रहे हैं, तो उन्हें डरना नहीं है। क्योंकि ऐसे समय पर अगर डरेंगे तो कहीं ना कहीं जो उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होगी, जिसका असर उनके आने वाले बच्चे पर भी पड़ सकता है। तो अपने मानसिक तनाव को दूर करें, सकारात्मक सोच रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, चेहरे पर मास्क लगा कर रखें और हाथ को अच्छी तरह से धोएं, सैनिटाइज करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें या किसी झागदार साबुन से हाथ धोएं और उन नियमों का पालन करें जो सभी के लिए बनाए गए हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। आप सभी का दिन अच्छा होगा और आगे भी जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे रुक जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और देश इस महामारी से बाहर निकल आएगा। तो अपनी इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें आप देखते रहें डीएनएन पर और मुझे दीजिए इजाज़त।